शेख वाजिद साहब के घर की ग्राउंड ब्रेकिंग हो रही है और मलिक साहब ने एज अ टेस्ट केस जो हमारे प्रोजेक्ट इंजीनियर हैं मदर साहब उनको यहाँ पे जो पोर्टेबल पानी है वो बुलाया भी है ताकि सबको यकीन आ जाए कि इट्स अ पोर्टेबल वाटर। ये देखिए मदर साहब पानी पी के इसको टेस्टिफाई कर रहे हैं कि दिस इज ड्यूरेबल। Nadeem Aslam, project director of Smart City. It's an honor to welcome Mr. Habib, Mr. Jazeer Zahid, Malik Aslam, Bhai Chima, Jal Najam. It's a great honor for us to host all of you here. आज की अपनी इस brief presentation में पहले मैं आपको जो लाहौर स्मार्ट सिटी का मास्टर प्लान है उससे ओरिएंटेट कराऊंगा, उसके बाद जो हमारी प्रोग्रेस है ओवरसीज प्राइम की और उसके अलावा उसके बारे में आपको डेवलपमेंट की पिक्चर्स दिखाऊंगा और फिर हमारे जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में ब्रीफ करूंगा। तो सबसे पहले लाहौर का मास्टर प्लान, इसमें साथ साथ मैं आपको चीज़ें इंडिकेट करता जाऊंगा ताकि आपकी कॉम्प्रिहेंशन में आसानी हो जाए। ये एक बर्ड आई व्यू है हमारे मास्टर प्लान का, जैसे मलिक साहब ने बताया कि सुरबाना जुरान सिंगापुर ने इसको डिज़ाइन किया है और इस वक्त हमारे दो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद में और लाहौर स्मार्ट सिटी। ये हमारी लोकेशन है, हमारा प्रोजेक्ट लाहौर से नॉर्थ में है, एडजेसेंट टू रिंग रोड एंड रूटा एरिया। ये अगेन अ बर्ड आई व्यू, ये हमारा रोड नेटवर्क है, इसमें जो आपको येलो कलर में नज़र आ रहा है दिस इज ईस्टर्न बाईपास, वी हैव अ जीटी रोड हियर एंड दिस इज M11 मोटरवे, तो मोस्ट आइडियल लोकेशन, कनेक्टिविटी हर तरफ से है इसकी। ये हमारा इंटरनल रोड नेटवर्क है, रेड कलर में जो आपको नज़र आ रहा है ये हमारी मेन बुलेवार्ड है विच इज 350 yards और इंटरनल हमारी ब्लू कलर में आपको रिंग रोड्स नज़र आ रही हैं विच आर 120 feet wide। ये हमारा BRT नेटवर्क है जो सोसाइटी के अंदर होगा। ये जो एरियाज फ्लैश हो रहे हैं ये हमारे फाइनेंशियल हब्स हैं, इनकी डिटेल्स मैं बाद में कवर करूंगा। ये भी इस वक्त हमारे फाइनेंशियल हब्स का ही हिस्सा है। ये हमारा रेजिडेंशियल कंपोनेंट है जो इस वक्त स्क्रीन पे हाईलाइट हो रहा है। ये शहर सेक्टर के अंदर जो नेबरहुड कमर्शियल्स हैं ये वो है। ये हमारा स्पोर्ट्स स्टेडियम एंटरटेनमेंट एरियाज है। ये ग्रीन बेल्ट जितनी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर है उसको हाईलाइट कर रहा है और यहाँ पे भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। वी आर प्रेजेंटली सिटिंग हेयर, ये हमारा वेन्यू है, इसके एडजेसेंट ओवरसीज प्राइम है, फिर ये हमारा फाइनेंशियल हब है जिसमें फाइनेंशियल स्क्वायर, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, फिलिकॉन वैली, लाहौर गिल्स मार्केट, देन वी हैव फूड टेक वैली एंड वी हैव कंप्लीट हेल्थ एंड एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट एंड एडजेसेंट टू इज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एंड हीट पार्क और वी हैव लॉजिस्टिक आउटलेट एंड हब और ये हमारे रेजिडेंशियल ब्लॉक्स हैं। ये जितनी आपको इस पर हाई राइज नज़र आ रही है ये हमारे सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, सिलिकॉन वैली, फाइनेंशियल स्क्वायर, बैनर डिस्ट्रिक्ट है, ये ओवरसीज ब्लॉक है, सिलिकॉन वैली है, ये हमारा ओवरसीज ब्लॉक वन है विच इज लाहौर गेट्स मार्केट, ये हमारा स्पोर्ट्स अरेना है, ये हमारा एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट है, ये ओवरसीज वन, ओवरसीज टू ब्लॉक, एग्जीक्यूटिव वन, एग्जीक्यूटिव टू ब्लॉक है। ये हमारा एक और व्यू है वेयर वी हैव दिस इज टॉलेस्ट लैंडमार्क बिल्डिंग कनेक्शन वन, दिस इज डांसिंग फाउंटेन, दिस इज सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट हाई राइजेस, दिस इज अ लैंडमार्क बिल्डिंग कनेक्शन वन ऑफ सिलिकॉन वैली। इस द ग्रैंड जामिया मॉस्क, इसके बारे में मलिक साहब आपको बता रहे थे कि हम तुर्की से डिज़ाइन करा रहे हैं। जो गार्डन है इट वुड बी ऑन द लाइंस ऑफ शालामार गार्डन। फूड टेक वैली है राइट साइड पे, दिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। ये हमारा स्पोर्ट्स एरिया है, ICC एंड FIFA स्टैंडर्ड स्टेडियम हो गए यहाँ पर, दिस इज थीम पार्क, फेरस व्हील,
यहाँ पे ओवर 100 राइड्स होंगी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की, और ये एक नाइट व्यू है। नाउ कमिंग ओवर टू प्रोग्रेस अपडेट। तो प्रोग्रेस अपडेट देने से पहले मैं आपको, अगर मैं इसको समाप्त कर लूँ, तो इस वक्त हमने आज इवेंट स्टार्ट होने से पहले हमने एक घर की, शेख वाजिद साहब के घर की ग्राउंड ब्रेकिंग की है। इनके मैप्स जो आर्किटेक्चर ड्राइंग्स हैं वो ऑलरेडी प्रोसेस में है फॉर अप्रूवल, और इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो रही है, विच मीन्स कि वहाँ पे पानी, बिजली और टेलीफोन, इंटरनेट की फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल। उसकी मैं आपको शॉर्ट वीडियो दिखाता हूँ, विच वुड कन्फर्म कि हमारा ओवरसीज प्राइम जिसका आज हम पोजेशन देने जा रहे हैं, जिसमें ओवर 750 प्लॉट्स है, इट्स कम्प्लीटली रेडी फॉर टू लिव इन। वीडियो दिखाइए। ये शेख वाजिद साहब के, आवाज़ म्यूट कर दें, शेख वाजिद साहब के घर की ग्राउंड ब्रेकिंग हो रही है, और मलिक साहब ने एज अ टेस्ट केस, जो हमारे प्रोजेक्ट इंजीनियर हैं मजर साहब, उनको यहाँ पे जो पोर्टेबल पानी है वो पिलाया भी है, ताकि सबको यकीन आ जाए कि इट्स अ पोर्टेबल वाटर। ये देखिए मदर साहब पानी पी के इसको टेस्टिफाई कर रहे हैं कि दिस इज लिवेबल। थैंक यू। नाउ मूविंग ओवर टू माय प्रेजेंटेशन ऑन डेवलपमेंट प्रोग्रेस। एंड जैसे पहले आपको मलिक साहब ने भी बताया, मैं आपको बताऊंगा इस वक्त तक हम कौन कौन से काम कंप्लीट कर चुके हैं, कौन से काम हमारे इन प्रोग्रेस हैं, और क्या हमारे फ्यूचर प्लान्स हैं। तो ये जितने काम मैं आपको दिखाऊंगा, प्लीज़ याद रखिएगा कि सितंबर लास्ट ईयर, सितंबर 2021 में हमने यहाँ पे डेवलपमेंट का काम शुरू किया था। तो सबसे पहले प्रोग्रेस पे चलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरसीज प्राइम का कम्प्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ए और बी का कम्प्लीट हो चुका है। ये सेक्टर ए की ओवरव्यू है, इसके अंदर रोड्स, सीवरेज, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, ये हर सेक्टर हर लिहाज से रहने के लिए तैयार है। सिमिलरली दिस इज सेक्टर बी, इट्स ऑल्सो रेडी फॉर पोजेशन एंड टू लिव इन। विलास पे हम आते हैं, हमने इस वक्त 71 मरला के विलास शुरू किए हुए हैं, और 41 एक कनाल के विलास शुरू किए हुए हैं। ये आपको एक पिक्चर्स दिखा रहा हूँ, लेफ्ट टॉप के ऊपर जो उसकी 3D एनिमेशन है उसको 100% वो कॉपी हो रहा है, उसका रिजल्ट आप उसके राइट बॉटम कॉर्नर पे देख सकते हैं। ये जॉर्जियन विलास है, 29 विलास बन रहे हैं, ये कॉन्टेम्प्रेरी विला 13 बन रहे हैं, और ये जॉर्जियन विलास बन रहे हैं 10 मरला के 22, और ये इनकी एक्चुअल पिक्चर्स हैं, और ये 49 बन रहे हैं मेडिटेरियन स्टाइल के 10 मरला विलास। बाकी जो बिल्डिंग्स और एमिनिटीज इन प्रोग्रेस है, उसमें हम कॉलेज एक बना रहे हैं, कम्युनिटी पार्क हमारा तैयार हो चुके हैं, मल्टीपर्पज़ डोम जहाँ पे आप लोग इवेंट्स कर सकते हैं वो तैयार हो चुके हैं, और एक नेशनल लेवल का क्रिकेट ग्राउंड भी हम तैयार कर रहे हैं। ये हमारी सेक्टर ए की मस्जिद है, ये एक्चुअल डिज़ाइन है जो होना है, DSA दुबई का ये डिज़ाइन है, और ये इस वक्त इसकी स्टेटस है। सेक्टर बी मॉस्क, अगेन वही डिज़ाइन है, सिर्फ इसका साइज बड़ा है। इंशाल्लाह रमज़ान की तरावियाँ हम सेक्टर ए की मॉस्क में ज़रूर पढ़ेंगे। ये स्टेम कॉलेज है, ये इसका फसाद है, और ये उसकी प्रोग्रेस है। ये नेक्स्ट ये आपका पार्क है, विच इज़ जस्ट ऑपोजिट जहाँ पे हम बैठे हुए हैं। पिछले 2-3 डीलर्स के इवेंट्स हमने इसी पार्क में किए हैं। ये डोम एरिया है, और ये क्रिकेट ग्राउंड है, नेशनल लेवल का क्रिकेट ग्राउंड, जहाँ पे फर्स्ट क्लास मैचेस हम ऑर्गेनाइज कराएंगे। दिस इज़ अ टेम्प्रेरी ग्राउंड, इसलिए हम इसके साथ स्टेडियम नहीं बना रहे। जिस वक्त हमारा ICC स्टैंडर्ड का स्टेडियम बन जाएगा तो ये हम वहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, बट फर्स्ट क्लास मैचेस यहाँ पे हम डेफिनेटली करवाएंगे। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में जैसा कुछ मलिक साहब भी आपको ब्रीफ कर चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हम ओवरसीज प्राइम 1 और एग्जीक्यूटिव 2 का इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में शुरू कर देंगे। ये लोकेशन है लाहौर डाउनटाउन की, जहाँ पे इस वक्त हम बैठे हुए हैं। यहाँ पे जो बिल्डिंग है ये भी नेक्स्ट ईयर कंस्ट्रक्शन शुरू होगी, इसकी आर्टिस्टिक ड्राइंग्स और डिफरेंट ड्राइंग्स अंडर प्रोग्रेस है। ये इसकी एक एनिमेशन है, इसमें टोटल 10 टावर्स होंगे, एंड ये उसका एक और व्यू है। अगेन ये स्टेट ऑफ द आर्ट कॉम्प्लेक्स होगा, यहाँ डाउनटाउन था। अभी जो सेंट्रल एरिया है जिसमें सिलिकॉन वैली,
पीपीडी लाहौर गेट्स मार्केट, इनकी कंस्ट्रक्शन हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे। और ये पेंडा मार्ट है जिसका मलिक साहब ने भी आपसे जिक्र किया, इसकी कंस्ट्रक्शन भी इंशाल्लाह शुरू होगी। नेक्स्ट, ये दिस इज द पेंडा मार्ट रेजिडेंशिया विच वी आर टॉकिंग अबाउट, मलिक साहब ने आपको इसका पहले ब्रीफ किया है। नेक्स्ट, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में दिस इज द टावर विच वुड कम अप, इसकी आर्किटेक्चर ड्राइंग इन प्रोग्रेस है और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी। सिलिकॉन वैली के अंदर दिस इज द टावर वी इंटेंड कंस्ट्रक्टिंग, अगेन इसकी आर्किटेक्चर ड्राइंग्स और डिफरेंट ड्राइंग्स आर इन प्रोग्रेस। लाहौर गेट्स मार्केट, बेसिकली अंदरूनी शहर को हम यहाँ पर रेप्लीकेट करेंगे और इसका एक क्लस्टर जल्द शुरू कर देंगे। और नॉलेज देंगे इसके जी बाहर से बिल्डिंग्स का फसाद और सब कुछ सहन अहाता अंदरूनी शहर की तरह होगा, बट अंदर एम्यूनिटीज़ और फैसिलिटीज़ जो हैं वो स्मार्ट सिटी की होगी। दैट्स ऑल जजमेंट फ्रॉम माई सेल्फ, थैंक यू।